आपका रिपब्लिक नेटवर्क के समिट में आपका स्वागत है आज मैं आपके सामने फिर एक बार अपनी दिल की बात रखना चाहता हूं अनुमति हो तो प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री जी पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि इस रिपब्लिक नेटवर्क का बहुत बड़ा सौभाग्य है और सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हर बार रिपब्लिक समिट में आप मौजूद रहे 315 दिन पहले रिपब्लिक समिट के इसी मंच पर मुझे आपको आप थे और मुझे आपको बताने में बहुत खुशी हो रही है प्रधानमंत्री जी की इन दिनों हमने एक और न्यूज चैनल लॉन्च किया है रिपब्लिक कन्नड़ और रिपब्लिक अभी दक्षिण भारत में भी हमारी एंट्री हुई है प्रधानमंत्री जी आज हमारे नेटवर्क की रीच 45 करोड़ क्रॉस कर चुकी है प्रधानमंत्री जी दिस मीन्स दैट रिपब्लिक इज रीचिंग वन इन एवरी थ्री इंडियंस और मैंने सुबह ये कहा था कि मतलब वी कैन स्टिल कैन रीच टू आउट ऑफ एवरी थ्री इंडियंस एंड आई वॉन्ट टू टेल यू प्रधानमंत्री जी दैट दिस है स्टार्टेड सेवन ईयर्स बैक फ्रॉम अ वेरी स्मॉल को शेयरिंग स्पेस ऑफ फाइव हंड्रेड स्क्वेयर फीट इन अ प्राइवेट मिल इन मुंबई विथ मी एंड ओनली टू और थ्री बिलीवर्स इन मी और प्रधानमंत्री जी हर भारतीय के पास हमेशा सपने थे हर भारतीय परिश्रम करता था लेकिन आपके आने के बाद ऐसा माहौल ऐसी पॉजिटिव एनर्जी मिली जो आपने तैयार की है एंड आई हैव नो हेजिटेशन इन सेइंग दिस दैट इट इज बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट दैट यू हैव क्रिएटेड

सेकेंड एक पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट मिली है और थर्ड एक प्रोटेक्टिव इकोसिस्टम मिली है व्हिच कीप्स भारतीय ड्रीम सिक्योर इन एन एनवायरनमेंट ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रधानमंत्री जी दस साल में आपने आपने एक बिलीफ सिस्टम बनाई है इस देश में आपने एक बिलीफ सिस्टम खड़ा किया है जिसमें एक स्टार्टअप और रिपब्लिक बिल्कुल एक स्टार्टअप है और ये अमेरिका में नहीं हो सकता है सात सालों में प्रधानमंत्री जी

कि पीपल विथ एथिक्स पीपल विथ आइडियल्स एंड आइडियलिज्म कैन नेवर गेट फॉर इट इज बिकॉज ऑफ योर विजन एंड योर लीडरशिप दैट एथिक्स आर टूडे द बेस लाइन ऑफ सक्सेस इन दिस कंट्री चाहे राजनीति हो चाहे कॉरपोरेट कल्चर हो चाहे चाहे मीडिया हो एथिक्स नैतिकता के जरिए सफलता की सीढ़ी चढ़ी जा सकती है दिस इज वॉट वी हैव वी पर्सनली बेनिफिटेड फ्रॉम प्रधानमंत्री जी आपके विजन से हम प्रेरणा लेते हैं अभी हमारा लक्ष्य है कि हर साल एक रीजनल लैंग्वेज में एक चैनल लॉन्च करना चाहते हैं हमारे पास उतनी पूंजी नहीं है अगर हो सके तो हम दो लॉन्च करेंगे एंड आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू दैट दिस गोल ऑफ रिपब्लिक प्रधानमंत्री जी इज नॉट बैक्ड बाय एनी फॉरिन मनी फॉरिन इन्वेस्टमेंट आई टेल यू फ्रेंकली

हम कोई डायनेस्ट नहीं है और हमने अपने करियर के पहले दशक में अपने सपने को टूटते हुए भी देखा है अलग सिस्टम के अंदर अभी जो माहौल है द सेंस ऑफ स्टेबिलिटी दैट यू हैव गिवन हैज चेंज एवरीथिंग और प्रधानमंत्री जी आई वांट टू शेयर समथिंग विथ यू विच आई वाज वेटिंग टिल टुडे टू टेल यू आपने कहा क्या हो रहा है तो मैं उस समय बोल नहीं पाया तो मैं आपको स्टेज से कह रहा हूं उस प्रधानमंत्री जी जितना संघर्ष हुआ रिपब्लिक का जितनी कठिनाई से हम आए आप सब जानते हैं मगर सच्चाई के साथ हम बढ़ रहे हैं मुश्किलें हम पार कर रहे हैं एंड इट इज दिस कॉन्करिंग ऑफ स्ट्रगल प्रधानमंत्री जी फ्रॉम दिस हॉल 25 फाइव किलोमीटर्स फ्रॉम दिस हॉल प्रधानमंत्री जी सिर्फ 25 किलोमीटर दूर आई एम प्राउड टू शेयर विद यू प्रधानमंत्री जी द रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क इज बिल्डिंग एंड इज ऑलमोस्ट कंप्लीटिंग द बिल्डिंग ऑफ द लार्जेस्ट न्यूज कॉम्प्लेक्स नेटवर्क कैन स्टूडियो इन एशिया एंड आई हैव नो हेजिटेशन इन सेम इंस्पायर्ड बाई यू बिकॉज यू मे नॉट रिमेंबर प्रधानमंत्री जी बट सेवन एट ईयर्स बैक यू सेड दैट इंडिया नीड्स अ ग्लोबल मीडिया और आपने कहा था यह सिर्फ सरकार का काम नहीं है कोई ऑन्ट्रप्रन इंडिया से करे एंड वी हैव टेकन अप ऑन द चैलेंज दैट सेंटर आई होप एंड प्रे दैट वन डे You will visit our news center. My dream is to set up, within one year, one and a half years, Pradhan Mantriji, the first global news organization from the soil of India, operating from New Delhi, from the national capital region. Finally, Pradhan Mantriji, the theme of the summit is Bharat, the next decade. But I will take one more step and say that जो है वो भारत का है हर भारतीय के लिए विकसित भारत एक लक्ष्य है आपने रेडफोर्ड से कहा था वहां से इट रियली वेंट इन टू आर हार्ट पीपल आर बिलीविंग इट एंड द बिलीफ मेक्स थिंग्स हैपन एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट अबाउटे एवरीबडी बिलीव इट इन फैक्ट आई टेल यू प्रधानमंत्री जी यू हैव सेट अ टारगेट ऑफ ट्वेंटी फोर्टी सेवन बट आई एम श्योर टूडे वर इन कश्मीर आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर कश्मीर विजिट आई एम श्योर यू बिलीव आई एम श्योर टू डेज बैक आई सॉ द वीडियो ऑफ यू इन बेंगॉल Pradhan ji, we run one of the big channels, the Republic Bangla. We saw how people were lined up. We saw the people who were responding to you. So I believe that in this country, every Indian has absorbed the idea of Vixit Bharat. And our commitment to you is we will not even believe in 2047, Pradhan ji. If all of us come together, then I believe that we can do it even earlier. Your vision is our vision, your vision is the vision of 1.4 billion Indians. And what they say about pro incumbency. I'm not a cephologist. I don't believe in cephology, Pradhan Mantriji. But I'll tell you one thing pro incumbency for me, as a citizen of India, is when I see things happen in my lifetime, in our parents' lifetime, in our children's lifetime. We are seeing the changes. It is not a far off dream. We are seeing what is happening in the next half decade, in the next decade. And it is all because of your hard work and your vision. And therefore, I feel proud to invite you. I feel overwhelmed that you have come for my event. And Pradhan Mantriji, I invite you to take the stage today and inspire all of us who have been waiting since morning with your vision. With your vision. So that this message goes out to every Indian. I am again very grateful to you that you have come. Thank you, Pradhan Mantri. Thank you. Thank you. Thank you. पब्लिक टीम के भी मेरी तरफ से विशेष इस समिट के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं मानता हूं कि अर्नब ने जो बताया वो दिन भर जो मंथन चला होगा उसी में से निकला होगा मैं आने से पहले पानी इसलिए पिया इतना सारा मैं पचा पाऊंगा कि नहीं पचा पाऊंगा <laughs> कुछ साल पहले जब मैंने कहा था कि ये दशक भारत का है अब जब हम पॉलिटिकल लोग बोलते हैं लोग यही मानते हैं कि ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है राजनेता तो बोलते रहते हैं लेकिन ये भी सच्चाई है आज दुनिया ये कह रही है ये दशक भारत का है और मुझे खुशी है कि आपने एक कदम और आगे बढ़कर अब भारत द दे नेक्स्ट डेकेड फॉर चर्चा शुरू कर दी है ये दशक विकसित भारत के सपनों को पूरा करने का एक अहम दशक है और मैं मानता हूं कि जो भी जिसको इन्फ्लुएंस कर सकता है कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो कितने ही अपोजिशन ख्याल रखते हो लेकिन ये कहने में क्या कह जाता है कि भाई ये दस साल काम करने जैसे हैं उसमें क्या जाता है लेकिन कुछ लोग इतनी निराशा की गर्त में डूबे हुए हैं कि उनके लिए न ये सोचना न ये सुनना और न ही ये बोलना बड़ा मुश्किल हो गया है कुछ लोग खास हंसी हंसी शेयर कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि मेरी बात सही जगह पर पहुंच गई है लेकिन मैं मानता हूं कि ऐसे विषयों पर चर्चा भी बहुत आवश्यक है मंथन भी बहुत आवश्यक है लेकिन साथियों जिस दशक में हम अभी है जो दशक अभी गुजर रहा है मैं समझता हूं वो आजाद भारत का अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट डेकेड है और इसलिए ही लाल किले से मैंने कहा था यही समय है सही समय है यह दशक एक सक्षम समर्थ और विकसित भारत बनाने की नींव को मजबूत करने वाला डेकेड है ये दशक उन आकांक्षाओं को एस्पिरेशंस को पूरा करने का है जो कभी भारत के लोगों को असंभव लगती थी एक मेंटल बैरियर तोड़ना बहुत जरूरी है ये दशक भारत के सपनों को भारत के सामर्थ्य से पूरा करने का दशक होगा और मैं ये वाक्य बड़ा महत्वपूर्ण रूप बोल रहा हूं सपने भारत के सामर्थ्य भी भारत का अगला दशक शुरू होने से पहले हम भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनते देखेंगे अगला दशक शुरू होने से पहले भारतीयों के पास घर शौचालय गैस बिजली पानी इंटरनेट सड़क हर बुनियादी सुविधाएं उसके पास होगी दशक भारत में वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे, हाई स्पीड ट्रेन देशव्यापी वाटरवे नेटवर्क ऐसी अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर की आधुनिकतम चीजों के निर्माण का दशक होगा इसी दशक में भारत को अपनी पहली बुलेट ट्रेन मिलेगी इसी दशक में भारत को फुल्ली ऑपरेशनल डेडिकेटेड फ्रेट कोर्स मिलेंगे इसी दशक में भारत के बड़े शहर या तो मेट्रो या नमो भारत रेल के नेटवर्क से जुड़ चुके होंगे यानी यह दशक भारत की हाई स्पीड कनेक्टिविटी हाई स्पीड मोबिलिटी और हाई स्पीड प्रोस्पेरिटी का दशक होगा साथियों आप भी जानते हैं ये समय वैश्विक अनिश्चितताओं और अस्थिरता का समय है और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यह सबसे अधिक अस्थिर समय अनुभव हो रहा है उसकी तीव्रता भी और उसका स्प्रेड भी पूरी दुनिया में कई सरकारों को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है लेकिन इन सबके बीच भारत एक सशक्त लोकतंत्र के रूप में विश्वास की किरण बना हुआ है मैं आशा की किरण नहीं कह रहा हूं मैं विश्वास की किरण बहुत जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं और ये स्थितियां तब है जब हमने देश में बहुत सारे रिफॉर्म्स भी किए हैं भारत ने यह साबित किया है कि गुड इकोनॉमिक्स के साथ ही गुड पॉलिटिक्स भी हो सकती है साथियों आज एक वै, वैश्विक जिज्ञासा ग्लोबल क्यूरियोसिटी है कि भारत ने यह कैसे किया ये इसलिए हुआ क्योंकि हमेशा सिक्के के किसी भी पहलू को नजरअंदाज नहीं किया इसलिए हुआ क्योंकि हमने देश की जरूरतें भी पूरी की और सपने भी पूरे किए इसलिए हुआ क्योंकि हमने समृद्धि पर भी ध्यान दिया और सशक्तिकरण पर भी काम किया जैसे हमने कॉरपोरेट टैक्स में रिकॉर्ड कमी की लेकिन हमने ये भी सुनिश्चित किया कि पर्सनल इनकम पर भी टैक्स कम से कम हो आज हम हाईवे रेलवे एयरवे वाटरवे के निर्माण पर रिकॉर्ड इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन साथ ही हम गरीबों के लिए करोड़ों घर भी बनवा रहे हैं उन्हें मुफ्त इलाज मुफ्त राशन की सुविधा दे रहे हैं हमने मेक इन इंडिया की पीएलआई स्कीम्स में छूट दी तो किसानों को बीमा से सुरक्षा और आय बढ़ाने के साधन भी दिए हैं हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर बड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन इसके साथ हमने युवाओं के स्किल डेवलपमेंट पर भी हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं साथियों आजादी के बाद के दशकों में भारत का बहुत समय उसे गलत दिशा में ले जाने में गंवा दिया गया एक ही परिवार पर फोकस की वजह से देश का विकास डिफोकस हो गया मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता लेकिन आप ये मानेंगे कि विकसित भारत बनाने के लिए हमने अपने खोए हुए समय को भी रिकवर करना होगा इसके लिए अभूतपूर्व स्केल और अभूतपूर्व स्पीड पर काम करना होगा आज आप भारत में हर तरफ यही होता देख रहे हो मैं जब गुजरात में था तो मैं उस समय पब्लिकली चुनौती देता था कि किसी भी दिशा में 25 किलोमीटर जाइए आपको कोई न कोई डेवलपमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर का, का काम चलता हुआ नजर आएगा किसी भी दिशा में 25 किलोमीटर कहीं से भी शुरू करो मैं आज किलोमीटर की भाषा नहीं बोल रहा हूं लेकिन मैं आज कह सकता हूं कि आप हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र में आप अगर नजर करेंगे कुछ न कुछ पहले से अच्छा हो रहा है और आप लोग भले इस पर डिबेट कर रहे हैं कि तीसरे टर्म में बीजेपी को 370 से कितनी ज्यादा सीटें मिलेगी मैं भी तो आप लोगों के बीच में रहता हु <laughs> <laughs> लेकिन मेरा पूरा ध्यान देश के विकास की स्पीड और स्केल को और बढ़ाने पर ही लगा हुआ है अगर मैं सिर्फ पचहत्तर दिन का हिसाब दूं आपको सिर्फ पचहत्तर दिन तो इनकी बात करो, सेवेंटी फाइव डेज तो रिपब्लिक के दर्शक भी हैरान हो जाएंगे और मैं पक्का मानता हूं है हैरान हो जाएंगे यहां कुछ लोग नहीं होंगे देश में किस स्पीड पर काम हो रहा है पिछले 75 डेज में मैंने करीब करीब 9 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया है ये 110 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा होता है दुनिया के कितने ही देशों का ये साल भर का खर्च भी नहीं है और हमने सिर्फ 75 डेज में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर इससे ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया है पिछले पचहत्तर दिन में देश में सात नए एम्स का लोकार्पण हुआ है चार मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज छह नेशनल रिसर्च लैब शुरू हुई है तीन आई एम दस आई आई टी पांच एन आई टी के परमानेंट कैंपस या उनसे जुड़ी सुविधाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है तीन ट्रिपल आईटी, दो आईसीआर और दस सेंट्रल इंस्टीट्यूट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी 1800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है इन्हीं पचहत्तर दिनों में 55 पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन या शिलान्यास हुआ है काकरा पार परमाणु ऊर्जा प्लांट के दो नए रिएक्टर राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं कल्पकम में स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की कोर लोडिंग की शुरुआत हुई है और यह एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी काम है तेलंगाना में 1600 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट का लोकार्पण हुआ है झारखंड में 1300 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट का लोकार्पण हुआ है यूपी में 1600 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास हुआ है यूपी में ही तीन सौ मेगावट के सोलर पावर प्लांट का शिलान्यास हुआ है इसी कालखंड में यूपी में ही अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल पार्क का भी शिलान्यास हुआ है हिमाचल में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है तमिलनाडु में देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल को लॉन्च किया गया है यूपी के मेरठ सिंभावली ट्रांसमिशन लाइन्स का उद्घाटन हुआ है कर्नाटका के कोप्पल में विंड एनर्जी जोन के ट्रांसमिशन लाइसेंस का उद्घाटन किया गया है इन्हीं पचहत्तर दिनों में भारत के सबसे लंबे केबल आधारित ब्रिज का लोकार्पण हुआ है लक्षद्वीप तक अंडर सी ऑप्टिकल केबल के काम को लोकार्पण करके पूरा करके लोकार्पण किया गया है देश के साढ़े पांच सौ से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने का, का काम शुरू हुआ है थर्टी थ्री नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है रोड ओवरब्रिज अंडरपास की 1500 से ज्यादा परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ है देश के चार शहरों में मेट्रो से जुड़ी सात परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया कोलकाता को देश के पहले अंडर वाटर मेट्रो की सौगात मिली है पोर्ट डेवलपमेंट की दस हजार करोड़ रुपए की तीस परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है पिछले पचहत्तर दिनों में ही किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरेज स्कीम शुरू हुई है अट्ठारह हजार के कंप्यूटराइजेशन के काम को पूरा कर दिया गया है किसानों के बैंक खातों में इक्कीस हजार करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर हुए हैं और रिपब्लिक टीवी के दर्शकों को मैं याद दिला दूं कि ये वो प्रोजेक्ट है जिसमें मैं शामिल रहा और ये मैंने सिर्फ शिलान्यास और लोकार्पण की बात की और भी तो बहुत कुछ किया है वो मैं नहीं बता रहा हूँ। इसके अलावा मेरे सरकार के बाकी मंत्री बीजेपी एनडीए की दूसरी सरकारों के लिस्ट अगर मैं बोलता जाऊंगा तो मैं नहीं मानता हूँ आप सुबह की चाय का इंतजाम किया है कि नहीं किया है लेकिन मैं एक और एग्जाम्पल दूंगा कि हमारी सरकार की स्पीड क्या है कैसे काम कर रही है आप भी जानते हैं कि इस साल के बजट में बजट तो अभी अभी गया इस साल के बजट में सोलर पावर से जुड़ी एक बड़ी योजना की घोषणा की गई थी बजट की घोषणा के बाद पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को कैबिनेट से मंजूरी देने में लॉन्च करने में चार सप्ताह से भी कम का समय गया है अब तो एक करोड़ घरों को सूर्य घर बनाने के लिए सर्वे भी शुरू हो गया है इस योजना के तहत सरकार की तैयारी 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने और अतिरिक्त सोलर यूनिट से लोगों को कमाई करना करवाने की भी है आज देशवासी हमारी सरकार की स्पीड और स्केल को अपनी आंखों से देख रहे हैं महसूस कर रहे हैं और इसलिए ही वो कह रहे हैं एक बार फिर एक बार साथियों अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके खिलाफ इतनी नेगेटिव कैंपेन चलाई जाती है इतने हमले होते हैं आपको फर्क नहीं पड़ता क्या मैं उनको यही बोलता हूं कि अगर मैं इस नेगेटिव कैंपेन पर ध्यान देने लग गया तो फिर मुझे जो काम करने हैं वो रह जाएंगे मैंने पचहत्तर दिन का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखा है लेकिन साथ ही मैं अगले पच्चीस साल का रोड मैप भी लेकर चल रहा हूं और मेरे लिए एक एक सेकंड कीमती है इस चुनावी माहौल में भी हम अपने कामकाज को लेकर जनता के पास जा रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ क्या है दूसरी तरफ गुस्सा है गालियां है निराशा है इनके पास न मुद्दा है और न कोई समाधान है ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा इसलिए है क्योंकि इन पार्टियों ने सात दशक तक सिर्फ स्लोगन्स पर चुनाव लड़ा ये लोग गरीबी हटाओ कहते रहे स्लोगन ही उनकी सच्चाई है बीते दस साल में लोगों ने स्लोगन्स नहीं सॉल्यूशंस देखे हैं खाद्य सुरक्षा हो या खाद कारखानों को फिर से शुरू करना हो लोगों को बिजली देनी हो या बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना हो लोगों के लिए आवास योजना बनाने से लेकर आर्टिकल 370 को हटाने तक हमारी सरकार ने सारी प्राथमिकताओं को एक साथ लेकर काम किया है साथियों रिपब्लिक टीवी का सवालों के साथ बहुत पुराना रिश्ता रहा है नेशन नो और ये कहते कहते आप लोग अच्छो अच्छों के पसीने छुड़ा दिए हैं पहले देश में सवाल होता था कि आज देश कहाँ है देश किस हालत में है लेकिन देखिए बीते दस वर्षों में ये सवाल कैसे बदल गए हैं दस साल पहले लोग बोलते थे हमारी इकोनॉमी का अब क्या होगा आज लोग पूछते हैं हम कितनी जल्दी तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेंगे दस साल पहले लोग बोलते थे हमारे पास ये विकसित देशों वाली टेक्नोलॉजी कब आएगी आठ लोग विदेशों से आने वालों से पूछते हैं आपके यहां डिजिटल पेमेंट नहीं होता है क्या <स्थार्था> <स्थार्था> दस साल पहले लोग नौजवानों से कहते थे नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या करोगे आठ लोग नौजवानों से पूछते हैं तुम्हारा स्टार्टअप कैसा चल रहा है दस साल पहले एनालिस पूछते थे इतनी महंगाई क्यों है आज यही लोग पूछते हैं पूरी दुनिया के संकट के बाद भी भारत में महंगाई नियंत्रण कैसे है दस साल पहले पूछा जाता था विकास क्यों नहीं हो रहा आज पूछा जाता है आखिर हम इतनी तेजी से विकास कर कैसे रहे हैं पहले लोग पूछते थे अब कौन सा घोटाला निकला आज पूछा जाता है अब कौन से घोटाले इजबाज पर कार्रवाई हुई पहले मीडिया के साथी पूछते थे कहां है बिग बैंग रिफॉर्म्स आज पूछा जाता है इलेक्शन टाइम बजट में भी रिफॉर्म्स कैसे आ रहे हैं दस साल पहले लोग पूछते थे जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 कभी खत्म होगा क्या आज पूछा जाता है कश्मीर में कितने पर्यटक आए कश्मीर में कितना निवेश आया? वैसे मैं आज सुबह ही श्रीनगर में था अनेकों नई परियोजनाओं का शिलान्यास करके और लोकार्पण करके आया हूं और आज नजारा ही कुछ और था दोस्तों चालीस साल से मेरा इस धरती उस धरती से नाता रहा है आज मैंने अलग मिजाज देखा अलग रूप देखा सपने देखे आत्मविश्वास से भरे हुए लोग देखे मैंने साथियों दशकों तक सरकारों ने जिन्हें कमजोर मानकर लायबिलिटी मानकर छोड़ दिया इन दस वर्षों में हमने उनकी जिम्मेदारी लेने का काम किया है इसलिए मैं कहता हूं जिसका कोई नहीं मोदी उसके साथ खड़ा है आप एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का उदाहरण लीजिए वर्षों तक इन जिलों को यहां रहने वाले करोड़ों देशवासियों को पिछड़ा बताकर भाग्य के भरोसे छोड़ दिया गया था ये पिछड़ा इलाका है हमारी सरकार ने ना सिर्फ सोच बदली बल्कि अप्रोच भी बदला और साथ साथ उनका भाग्य भी बदला इसी तरह हमारे बॉर्डर किनारे के जिले और वहां के रहने वालों के भी की भी जिंदगी थी पहले की सरकारों की नीति थी कि सीमा से सटे इलाकों का विकास ना हो ऑफिशियल कहते थे विकास ना हो इस नीति के कारण वहां रहने वाले लोगों को भी परेशानी होती थी पलायन होता था हमने वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम शुरू किया जिससे कि लोग सशक्त हो और इलाकों की स्थितियां बदले दिव्यांगों का उदाहरण देखिए वर्षों तक इन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि वोट बैंक नहीं थे हमने ना सिर्फ दिव्यांगों को हर क्षेत्र में प्राथमिकता दी बल्कि लोगों की सोच भी बदली आप हैरान हो जाएंगे जी मैं कहूंगा ये ये ऑडियंस को तो शायद बेचैनी हो जाएगी हमारे यहां राज्यों में लैंग्वेज अपने अपने तरीके से विकसित हुई विविधता है गर्व का विषय है लेकिन हमारे जो स्पेशली एबल्ड लोग जिनको सुनने बोलने की दिक्कत है उनके लिए साइनेजिट की जरूरत होती है आप हैरान होंगे हमारे देश में साइनेजिट भी अलग अलग प्रकार के चलते थे अब मुझे बताइए कि दिल्ली का आदमी जयपुर जाए और सामने वाला दूसरी साइनजिट से बात करेगा तो क्या होगा उसका आजादी के इतने सालों के बाद मैंने उस काम को किया कमेटी बिठाई और आज पूरे देश में मेरे जनों के लिए एक ही प्रकार के साइनेजिट पढ़ाए जाते हैं बात छोटी लगेगी लोगों लेकिन जब एक संवेदनशील सरकार होती है ना तब उसकी सोच उसका अप्रोच जमीन से जुड़ा हुआ होता है जड़ों से जुड़ा हुआ होता है और जनों से जुड़ा हुआ होता है और देखिए दिव्यांगों के प्रति आज समाज का नजरिया बदला है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तक दिव्यांगों के हिसाब से अब बनना आर्किटेक्चर जो होते हैं वो भी डिजाइन करते समय दिव्यांग के लिए बना करके ले आ रहा है ऐसे कितने ही स्पेशल ग्रुप और कम्युनिटीज़ है जिन्हें आजादी के बाद से कोई महत्व नहीं दिया गया हमने ऐसी गुमंतु जनजातियों के लिए स्पेशल वेलफेयर बोर्ड बनाया किसी ने भी हमारे लाखों रेडी पटरी वाले दुकानदारों के बारे में नहीं सोचा लेकिन कोरोना के समय हमारी सरकार ने इनके लिए पीएम स्वनिधि योजना बनाई किसी ने भी हमारे उन स्किल्ड कलाकारों की पहरवा नहीं की जिन्हें आज हम विश्वकर्मा कहते हैं हमने ये सुनिश्चित किया कि इस वर्ग को स्किलिंग से फंडिंग तक किसी चीज की दिक्कत ना आए इस पर केंद्र सरकार अब तेरह हजार करोड़ रुपए खर्च कर रही है साथियों रिपब्लिक टीवी की टीम जानती है कि हर उपलब्धि के पीछे मेहनत विजन और संकल्पों की एक लंबी यात्रा होती है जो अभी अर्नब ने भी थोड़ा बहुत ट्रेलर दिखाया हमको भारत भी अपनी इस यात्रा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है अगले डेकेड में भारत जिस ऊंचाई पर होगा वो अभूतपूर्व होगी अकल्पनीय होगी और ये भी मोदी की गारंटी है साथियों मुझे अच्छा लगा आप भी एक ग्लोबल विजन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं तो मुझे पक्का विश्वास है लेकिन जो आपने कहा तो मैं विदाउट रॉयल्टी एक दो सुझाव दे दूं कोई रॉयल्टी की जरूरत नहीं है मुझे <laughs> देखिए आप राज्यों की जो चैनल बनाने के लिए सोच रहे हैं एक के बाद एक के बाद एक करने जाएंगे तो मिल नहीं बैठेगा सर मैं मूलतः मेरा सोचने का तरीका ही अलग है इसलिए मैं कह रहा हूँ आप एक डेडिकेटेड ऐसी चैनल बनाइए जिसमें आप टाइम फिक्स कीजिए कि दो घंटे गुजराती दो घंटे बंगाली दो घंटे मलयालम एक ही चैनल होगी और आज गूगल गुरु आपका ट्रांसलेशन तो कर ही देता है और मैं ए की दुनिया में काफ़ी आगे बढ़ा रहा हूं देश को अब मेरे अपने भाषण आठ नौ भाषाओं में तो आप आसानी के साथ सुन सकते हैं अभी मैं भाषण कर रहा हूँ सभी भाषाओं में बहुत ही विदाउट नो टाइम मिल जाएंगे तमिल लोगों को मिलेगा पंजाबियों को मिलेगा आप भी उससे क्या होगा आपकी एक कोर टीम तैयार हो जाएगी और जो कोर टीम ज़्यादा तैयार होती है जो इकोनॉमिकली वायबल बनता है फिर आपको पंद्रह दिन के बाद उसको डेडिकेट कर दीजिए आप एक दिन में छः राज्यों की चैनल क्यों नहीं चलाते टाइम फिक्स कर दीजिए मैं और टेक्नोलॉजी के लिए सब बड़ा बहुत मुश्किल काम नहीं है दूसरा जो आप ग्लोबल चैनल बनाना चाहते हैं जरूरी नहीं कि हर कोई आपकी चैनल देखे शुरू में आप एक न्यूज एजेंसी के रूप में सार देशों पर काम कर सकते हैं ये मालदीव वाले लोगों को मदद हो जाएगी <laughs> <laughs> मेरा बहुत पुराना दोस्त है तो मैं उसे कुछ भी कह सकता हूं <laughs> लेकिन अगर आप सार देशों में कम से कम क्योंकि उन लोगों को इंडिया के न्यूज में इंटरेस्ट होता है सार देशों में उनकी लैंग्वेज एक प्रकार से फिर बिमस्टेक में चले जाइए धीरे धीरे मैं समझता हूं लेकिन यह काम ऐसा नहीं होता साहब कि इस पांच साल में मनरेगा करूंगा फिर पांच साल तक मनरेगा के ढोल पिटूंगा देश ऐसे नहीं चलता है जी देश तेज गति से चलता है देश को बहुत बड़े काम करने होते हैं और मैं मानता हूं आपको तो चुनाव लड़ना नहीं है चिंता क्यों कर रहे हो और मुझे लड़ना है तो भी मैं चिंता नहीं करता हूं चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत बहुत धन्यवाद जी नेशन वॉन्ट्स टू नो उचता है भारत प्रधानमंत्री जी ने जो 75 डेज की रिपोर्ट कार्ड हमारे सामने रखी उसे हमें ऊर्जा मिली कि नहीं मिली डिड वी ऑल फील एनर्जाइज बाय दैट और नॉट लाउडर मोदी जी प्रो इनकम्बेंसी यही है दिस इज द बिलीफ दूसरी बात कहूंगा मोदी जी आई कीप इट वेरी शॉर्ट वेरी शॉर्ट आपके स्टाइल और आपकी थिंकिंग को कोई ट्रेडिशनल पॉलिटिकल एनालिस्ट या ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट समझ नहीं पाते हैं बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं मोदी जी क्यों मगर आपने जो बात कही अगर कोई गहराई से समझने की कोशिश करे यू आर द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एंड ऑफ दिस जेनरेशन एंड इन द वर्ल्ड अंडरस्टैंड मैक्रो पिक्चर एंड द and it's very ye ye isliye bani ये kyunki इसलिए बनी है क्योंकि आप देश के जमीन से जुड़े हुए you've been a social worker. मैं आपको जानता हूं बहुत दिनों से मोदी जी जब आप छोटे से रूम में रहते थे बीजेपी कार्यालय से पीछे तो आप तो मैं और मोदी जी मोदी जी यू बीन वेरी काइंड टू मी मुझे पता है आपको बहुत तकलीफ देता था तब भी मैं मगर मैक्रो और माइक्रो समझना बहुत मुश्किल है आप गगनयान और जीएसटी के बारे में भी सोचते हैं मगर आपने जो दिव्यांगों के बारे में जो ये साइनेज सिस्टम की बात कही इससे आपकी एम्पथी और अंडरस्टैंडिंग भी दिखती है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लीडर एंड दैट्स वाई पीपल बिलीव इन ये कोई ये कोई स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक्स की बात नहीं है मोदी जी और आपने एक और बात कही जिससे मतलब हम पे बहुत प्रभाव पड़ा सब पे प्रभाव पड़ा और पिछले पांच दिन से ट्रेंडिंग है मोदी का परिवार और कोई आर्टिफिशियल ट्रेंडिंग नहीं है इनऑर्गेनिक नहीं है ये लोग कह रहे हैं ऑल ओवर जब से किसी ने कहा कि मोदी जी का परिवार ही नहीं है तो इट इज नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग हम मोदी के परिवार है हमारे न्यूज रूम में छोटे बच्चे भी मैसेज वीडियो मैसेज भेजते आपको मैं भेज दूंगा मोदी का परिवार हैशटैग करके और आपने कहा कि जिनको लायबिलिटी मानकर छोड़ दिया गया था उनके साथ आप खड़े हैं दिस इज एब्सोल्यूटली ट्रू और यही मतलब स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक से तो इकोनॉमिक नीव बनती है आपने देश की सोशल नीव बनाई है यू हैव ब्रॉट बैक रेस्पेक्ट यू हैव गिवन रेस्पेक्ट टू एवरी इंडियन रेस्पेक्ट टू एवरी इंडियन मोदी जी फाइनली मोदी जी नेशन लुक्स फॉरवर्ड टू योर लीडरशिप द नेशन लुक्स फॉरवर्ड टू योर लीडरशिप फॉर मेनी इज एंड टू कम We wish you good health. The way you are working and the way you are traveling, we wish you absolutely the very best. And in two months, you are going to start your third term. What up? हफ्तों में आप एक ऐतिहासिक मैंडेट के साथ अपने ऐतिहासिक थर्ड टर्म की शुरुआत करेंगे एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विथ यू टू टेकिंग योर विजन ऑफ द कंट्री फॉरवर्ड थैंक यू फ्रॉम ऑल ऑफ अस एट रिपब्लिक बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी लेडीज एंड your places until the honorable prime minister has left The hall. With that invigorating and inspirational vision, the Honorable Prime Minister, the Republic Media Network Summit 2024, ladies and gentlemen, draws to a close. Thank you very much, ladies and gentlemen. Please remain in your places until the Honorable Prime Minister has left the premises. Thank you to our esteemed speakers, guests, and believers in the future of Bharat's identity and destiny. It is upon each of us, ladies and gentlemen, stakeholders that we are, to come together to take these deliberations and script the destiny of our great nation. I would like to thank on behalf of the Republic Media Network our sponsors our main presenter RP Sanjeev Goenka Group powered by Reliance Digital co-powered by Reva University co-powered by Ravine driven by Maruti Suzuki insurance partner LIC banking partner Bandhan Bank